किसी ने कहा था, ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स, लालच सभी बुराइयों की जड़ है। एक इंसान का डाउनफॉल हो या धरती का डिस्ट्रक्शन, और लापरवाही की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। हादसे टेम्पररी इफेक्ट डालती है, पर एक प्रकार का हादसा ऐसा होता है जो ऐसा इफेक्ट डालता है कि हजारों सालों तक लोगों को भुगतना पड़ता है। पूरे इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी है। जितने लोग चेर्नोबिल के बारे में जानते हैं उनको पता ही होगा कि वो घटना 20,000 सालों तक रहेगी, पर ये घटना अपनी छाप भारत के हर्ट पे बहुत समय के लिए छोड़ के चली गई है। इफेक्ट तब तक जब तक धरती रहेगी। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। दोस्तों, यूँ तो दुनिया में कई औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज हुई है, लेकिन बात अगर सबसे बड़ी ट्रेजेडी की हो तो आज भी 36 साल के बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सबसे पहले आता है। वो भयानक हादसा जिसके बारे में केवल आपने सुना होगा और किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन जिन पर वो बीती होगी, जिन्होंने उसे अपने आँखों से देखा, वो भोपालवासी आज भी उसके याद में सिहर उठते हैं। सरकार कहती है कि इस गैस ट्रेजेडी में 3800 लोग मारे गए, जबकि कोई अन्य और अहम सूत्रों के माने तो इसमें कम से कम 25,000 लोगों की जान चली गई है और 5,00,000 लोग जहरीली गैस के चपेट में आए। दरअसल उसकी शुरुआत होती है 2 और 3 दिसंबर 1984 की उस भयानक रात से। आधी रात को भोपाल में मौजूद उस यूनियन क्रेबिड नाम की फैक्ट्री से मिथिल आइसोसाइनेड यानी MIC गैस का रिसाव होता है, और जहरीली गैस जो सांस के द्वारा किसी के शरीर में जाती है तो ही पल भर में उस जीव का श्वसन तंत्र कुछ इस तरह से डैमेज करती है कि उसे सांसें थमने लगती है, फिर उल्टे आती है, फिर धीरे धीरे तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। और जबकि यूनियन कार्बाइड कीटकनाशक यानी कि पेस्टिसाइड बनाने वाली एक कंपनी थी, तो ऐसे में अमोनिया जैसी गैस का होना स्वाभाविक था, लेकिन जो स्वाभाविक नहीं था और जिसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी वो थी MIC जो उस रात हवा में घुल गई। इसका पता लोगों को तब चला जब हर घर में लोगों को खांसने की आवाज़ आने लगी और घर से लोग निकल कर अस्पताल की ओर भागने लगे। किसी के आँखों में जलन थी तो कोई खून की उल्टियाँ कर रहा था, और जब ये पता चला कि आखिर उसके पीछे की वजह क्या है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली MIC को निकली हुई 2 घंटे हो चुके थे। फैक्ट्री के करीब बने 2 अस्पताल हमीदिया और JP हॉस्पिटल मरीजों से खचाखच भर चुके थे। इस गैस ने अब तक शहर के 8 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। वो दृश्य कितना भयानक होगा उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो।